एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ लौकी की दाल, मूंग दाल डालकर। तो कुकर में मैंने अभी 2 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। साथ ही यहाँ मैंने 2 चुटकी हींग के डाल दिए हैं, जिससे कि जो गैस वगैरह है वो मतलब ना हो। और मैंने यहाँ पर 1 प्याज लिया है, बारीक काट लिया है, और उसको थोड़ा सा मैं भून दूंगी, जिससे कि जो उसका पानी है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने लहसुन और बारीक मतलब लहसुन को बारीक काट लिया है, और 1 इंच के करीब अदरक ले लिया है। अदरक को भी आप काट सकते हैं, बट मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा है ताकि वो साइड जिसके मुंह पे लगे वो साइड कर सके। ओके, तो यहाँ पर मैं सबको आपस में भून लूँगी। टमाटर ऐड करके यहाँ पर मैं अब टमाटर को भी भून रही हूँ। दोस्तों, टमाटर मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 बड़ा टमाटर लिया है और उसे बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैं अब नमक और मसाले जो है वो सारी चीज़ें ऐड करूँगी। दोस्तों, ये तो दाल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर वाली होती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सुपर सिंपल होती है ये, और पेट के लिए बहुत हेल्दी होती है, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है, अब लीवर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ पर मैंने आधी लौकी काट कर डाल दी थी, और साथ ही ये जो दाल है दोस्तों, मूंग की दाल, इसे मैंने 4 घंटे के लिए जो पानी में भिगो कर रखा, साथ ही 7-8 पानी इसे धो लिया ताकि जितने भी स्टार्च इसमें केमिकल्स वगैरह है वो निकल जाए। और इस वक्त ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। पहले मैंने नमक डाला है, नमक थोड़ा मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि ये चावल के साथ हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैंने गरम मसाला जो कि 1 चम्मच मैंने लिया, और किचन किंग मसाला जो कि मैंने 1/2 चम्मच के करीब लिया, धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच लिया, और हल्दी मैंने 1 चम्मच लिया, और इन सब को मैंने आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया है जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। 3 से 4 मिनट इसे आप ऐसे अच्छे से पका लीजिए। पक चुकी है और मसाले की पकी हुई खुशबू अब आने लगी है। यहाँ पर मैं दोस्तों पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि अभी काफी अच्छे से पक चुकी है, और पानी थोड़ा मैं ज्यादा रख रही हूँ क्योंकि ये चावल के साथ हम बना रहे हैं, तो पानी इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा ऐड किया है। वैसे भी ये दाल और सब्जी आपस में घुल कर इतने अच्छे फॉर्म में आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है, पानी का कुछ अलग से फ्लेवर नहीं आता है। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पानी हो भी जाए तो भी ये बहुत अच्छे फॉर्म में आ जाती है जब ये पूरी पक जाती है। तो यहाँ पर मैंने 3 ग्लास के करीब पानी डालकर अच्छे से ढक दिया है। अब सीटी आने का हम वेट करेंगे, प्रेशर बनने लगा है तो वो मैंने चेक कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा रहने देंगे लो फ्लेम में। इसको मैंने 20 मिनट रखा और कम से कम 5 या 6 इसमें सीटी लगी हैं, और उसके बाद ये इस फॉर्म में आ गई है। मैंने अपने बच्चे के लिए इसे एक बाउल में निकाल दिया है, और साथ ही अब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर 1 स्पून के करीब ऐड कर दिया है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं कि चावल के साथ ये कितनी अच्छी और कितनी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसमें धनिया और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं।